बच्चों आज हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। देखो अकाउंटिंग जो होता है, अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डेटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर रिकॉर्ड किया जाता है, फिर क्या किया जाता है, क्लासीफाइंग, है ना, क्लासीफाई किया जाता है, उसके बाद समराइजिंग किया जाता है, उसके बाद क्या होता है, लास्ट में कम्युनिकेटिंग फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र्स। ठीक है, जो फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको यूज़र को बताया जाता है। तो यूज़र कौन होता है, यूज़र वो होता है बिजनेस का या प्रोप्राइटर या ओनर, उसको हम लोग यूज़र कहते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग का कार्य क्या होता है, डेटा को कलेक्ट करने का, रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई करने का, समराइज करने का और फिनेंशियल पोजिशन को बताने का, ये अकाउंटिंग का कार्य होता है। बच्चों अकाउंटेंसी का कार्य क्या होता है, देखो अकाउंटेंसी का कार्य ये होता है कि कैसे अकाउंटिंग को सिस्टमैटिक तरीके से मेंटेन करना है। ठीक है, अकाउंटिंग का कार्य कैसे करना है ये अकाउंटेंसी हमें बतलाता है। ठीक है, जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे मेंटेन करना है ये कौन बतलाता है, अकाउंटेंसी बतलाता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है।